हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है डिसओबीडियंस, और बात करें इसके आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ये स्टोरी ज्यूज धर्म के लोगों की है। यहाँ पर प्रेयर हो रही है जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन इसका हमारे पास राइट है, हम चूज़ कर सकते हैं हमें अच्छा करना है या बुरा। फिर उसी टाइम उस बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद अगले दिन हम अपनी मेन कैरेक्टर रौनित को देखते हैं। ये एक फोटोग्राफर है, वो अपना काम कर रही थी तभी उसकी फ्रेंड ने आकर बोला तुम्हारे लिए कॉल है। उस फोन कॉल के बाद वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद वो बार की तरफ जाती है और वो पूरा टाइम रो रही थी। फिर वो एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ सिटी में घूमती है। फिर वो फ्लाइट लेकर अपने टाउन आ जाती है। जिस बंदे को हार्ट अटैक आया था उसका फ्यूनरल चल रहा होता है, वो वहाँ पर पहुँचती है। फिर उसके लिए जो गेट ओपन करता है उसका नाम डेविड होता है, ये उसका बचपन का फ्रेंड है। वो उसे देख कर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है। इसके बाद हमें पता चलता है जिसकी डेथ हुई है वो कोई और नहीं रौनित के डैड होते हैं, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फ्यूनरल पर आने के बाद उसके लिए सब लोग स्ट्रेंजर होते हैं। डेविड भी रौनित को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो यहाँ आएगी। एक्चुअल में वो घर से भाग गई थी, उसने अपनी फैमिली के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा था। काफ़ी सालों के बाद वो घर आई है। इसके बाद वो अपने अंकल से मिलती है जिनके बीच में बहुत ही टेंशन है। डेविड रौनित को कॉफ़ी पिलाने के लिए ऊपर लेकर आता है। रौनित उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। वो कहता है तुम अचानक से चली गई थी, इसका मतलब वो अभी भी उससे नाराज़ है। रौनित उससे पूछती है क्या तुमने शादी की। डेविड मैरिड होता है लेकिन रौनित गैस नहीं कर सकती कि डेविड ने किससे शादी की होगी। इसी फ्यूनरल पर डेविड और रौनित की बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड इस्टी भी थी। डेविड इस्टी से पूछता है क्या रौनित हमारे साथ रह सकती है। ये सुनकर रौनित को शॉक लगता है, उसने फिगर आउट कर लिया डेविड ने इस्टी के साथ शादी की है। इस्टी के जाने के बाद रौनित डेविड से पूछती है तुमने इससे शादी की है। डेविड कहता है तुम चली गई थी, हम ही दोनों बचे हुए थे। डेविड से रौनित भी नाराज होती है क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब थी और डेविड ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। फ्यूनरल के बाद इनका एक और इवेंट होता है, वो सही से हो जाए इसलिए डेविड रौनित से कहता है तुम यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करना। इसके बाद रात में इस्टी रौनित को रूम देती है। रौनित इस्टी से पूछती है तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ रहना चाहिए। इस्टी कहती है ये तुम्हारी चॉइस है। इस्टी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर डेविड आता है, तब रौनित न्यूज़पेपर देख रही थी। उस न्यूज़पेपर में रौनित के फादर की डेथ की न्यूज़ थी जिसमें लिखा था उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। उस न्यूज़पेपर में रौनित का कोई भी मेंशन नहीं था जिसकी वजह से वो अपसेट हो गई। डेविड उसे समझाता है कि उस रिपोर्टर को कुछ पता नहीं होगा। रौनित कहती है कभी कभी मुझे लगता है मेरे डैड के जो फॉलोअर थे तो मेरे डैड मुझसे ज़्यादा उनसे प्यार करते थे। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसने भी कभी अपने फादर से प्यार नहीं किया। इसके बाद वो डेविड और इस्टी से पूछती है क्या तुम दोनों हैप्पी हो। वो कहते हैं हम दोनों खुश हैं। रौनित के आने की वजह से इस्टी इनसिक्योर हो गई थी। फिर बेड पर वो डेविड को किस कर लेती है। अगले दिन रौनित जब उस इवेंट पर गई तब वहाँ पहले से उसके डैड के फॉलोअर थे। अगले सीन में हमें पता चलता है इस्टी एक टीचर है। डेविड भी रौनित के फादर की तरह बनने वाला है। फिर उसके कलीग उससे पूछते हैं रौनित तुम्हारे साथ रह रही है इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। डेविड उन्हें मेक श्योर कराता है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उनकी ही रिलीजियस बुक में लिखा हुआ था कपल को फ्राइडे के दिन इंटीमेट होना है, उसी तरीके से इस्टी और डेविड फ्राइडे को ही इंटीमेट होते हैं। एक रात रौनित की फैमिली इस्टी और डेविड एक साथ डिनर कर रहे थे। यहाँ पर रौनित की एक आंटी बात करती है उसकी बेटी को कितने बेटे हैं। वो लोग रौनित से कहते हैं तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। रौनित का इन सब चीज़ों में फोकस नहीं था, यही रीज़न था वो घर से बाहर चली गई थी। अगर इस कम्युनिटी में रहती तो ज़बरदस्ती उसकी भी शादी करवा दी जाती और वो ये नहीं चाहती। यहीं पर हमें पता चलता है डेविड एक अनाथ था, रौनित के फादर उसे लेकर आए थे
और अपनी कम्युनिटी में जगह दी और उसे अच्छे से बड़ा किया। इसी वजह से जब रौनित के फादर ने उसे स्टी से शादी करने के लिए कहा तो उसने कर ली। इस डिनर पर सब लोग रौनित को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे थे, इसी वजह से वो बाहर चली आती है। उसके पीछे पीछे डेविड भी आ जाता है। वो कहती है, मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरे फादर को पता हो मैं उनसे कितना प्यार करती थी। उसके फादर का एक घर है जिसे वो अब सेल कर सकती थी, जिसके बारे में बात करने के लिए वो अपने अंकल के पास आती है। उसके अंकल उसे उसके फादर की बिल दिखाते हैं, जिससे पता लगता है उसके फादर ने घर उसे नहीं बल्कि कम्युनिटी के नाम कर दिया है। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें अपने फादर के पास होना चाहिए था। रौनित कहती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अंकल कहते हैं, तुम्हें पता कैसे होता, तुम तो भाग गई थी। तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, आज तक तुम्हारे फादर ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं स्टी शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर उसे पता चला कुछ टाइम पहले यहाँ पर रौनित थी। वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद ये दोनों रौनित के फादर के घर में आते हैं। जब उसके फादर बीमार थे तो उनका बेड और सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही हैं। ये सब देखकर वो इमोशनल हो जाती है। स्टी रौनित से पूछती है, क्या तुम्हें ये घर चाहिए था? रौनित की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। वो कहती है, हाँ मुझे चाहिए था। इस घर में इन्हें अपने बचपन की यादें आती हैं। उसके फादर हमेशा अपने रूम में स्टडी करते थे, वो लोग यहीं पर खेला करते थे। रौनित स्टी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे जल्दी घर चले जाना चाहिए था? स्टी रौनित के पास आती है और कहती है, कभी भी वापस मत जाओ। फिर ये दोनों किस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है स्टी इतनी अनकंफर्टेबल क्यों थी। रौनित घर छोड़ने के साथ साथ स्टी को भी छोड़कर चली गई थी। रौनित स्टी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। स्टी कहती है, तुम्हारी फादर की न्यूज़ देने के लिए मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। इसके बाद ये घर से बाहर आते हैं। यहाँ पर स्टी अपनी मैरिज को एक्सप्लेन करती है। स्टी कहती है, तुम्हारे फादर कहा करते थे, जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद हमारे पास एक पार्टनर होता है जो हमें सपोर्ट करता है। बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बच्चे होते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ही दुखी थी। फिर तुम्हारे फादर ने मुझे सजेस्ट किया, मुझे डेविड से शादी कर लेनी चाहिए। उससे शादी करना इतना भी बुरा नहीं था। रौनित को इस पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है, क्या तुम फ्राइडे को दोनों इंटीमेट होते हैं? स्टी कहती है, ये बुक में लिखा है लेकिन ये ज़रूरी नहीं। वो अपनी लाइफ में खुश है और यहीं लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। रौनित कहती है, तुम कितना भी सिखा लो, इसके बाद भी इन्हें बुक के अकॉर्डिंग लड़के से ही शादी करनी है, इसका पॉइंट क्या है? इसके बाद बात करते हुए एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। फिर इन्हें याद आता है इनकी फर्स्ट किस इसी पेड़ के नीचे हुई थी। फिर ये एक जगह आकर किस कर रहे थे तभी वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। कुछ लोगों ने इन दोनों को देख लिया। किसी को स्टी के बारे में पता ना चले इसलिए वो जल्दी से घर आ गई। इस बात की वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो शावर लेते हुए बहुत रोती है। बाहर डेविड ने उसे सुना और फिर वो उसे सहारा देने के लिए उसे गले लगा लेता है। इसके बाद अगले दिन स्टी बच्चों को पढ़ा रही थी तभी उसके प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया। एक्चुअल में जिन लोगों ने कल रात उसे देखा था उन्होंने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी। ये सब रिलीजन के अकॉर्डिंग मना है जिसके लिए उन्हें बहुत डांटा जाता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद स्टी जब बाहर आती है वहाँ पर रौनित खड़ी हुई थी। स्टी जल्दी से उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाती है और वो कहती है, मैं एक रिलीजियस लाइफ जी रही हूँ, तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती। रौनित कहती है, कहीं और चलकर बात करते हैं। ये दोनों फिर होटल में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। स्टी रौनित से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करती थी, तुम कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ये सब मैं वंडर करती थी। इसके बाद रौनित एक थॉट में गुम हो जाती है। स्टी उससे पूछती है, तब वो कहती है, मैं सोच रही थी जब मेरे फादर ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। हमें पता चलता है यही रीज़न था जिसकी वजह से वो भाग गई थी और उसके फादर उससे नफरत करते थे और वो जल्दी से जल्दी स्टी की शादी डेविड से कराना चाहते थे। वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ थे, इसी वजह से रौनित को घर छोड़ना पड़ा था। स्टी जब घर पर आती है तब डेविड उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर स्टी डेविड से कहती है, मैंने रौनित को किस किया। डेविड उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, रौनित हमेशा यही करती है। उसने तुमसे क्या कहा, क्या तुम भी उसके साथ न्यूयॉर्क जा सकती हो, हम दोनों बहुत खुश रहे हैं, इस तरह से अपनी और मेरी लाइफ बर्बाद मत करो,
स्टी कहती है, मैंने ही रोनित को बुलाया है, मैं हमेशा से चाहती थी वो वापस आए, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं बदल नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर डेविड वहाँ से चला गया। इसके बाद ये लोग डिनर करते हैं, जहाँ पर रोनित कहती है कल रात की फ्लाइट से मैं चली जाऊँगी। डेविड का मानना सही था, जब भी चीज़ें हार्ड होती हैं तब रोनित वहाँ से भाग जाती है। वो स्टी से पूछता है अब तुम क्या करोगी, स्टी कहती है मुझे पता नहीं। स्टी रोनित पर बहुत गुस्सा थी। अगली रात जब रोनित जा रही थी तब उसे डेविड का कॉल आया, वो कहता है स्टी गायब हो चुकी है, वो कहीं पर मिल नहीं रही। रोनित को भी स्टी के लिए डर लग रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए डेविड के साथ यहाँ वहाँ घूमती है। काफ़ी टाइम घूमने के बाद जब ये दोनों घर पर वापस आते हैं तब वहाँ पर स्टी ऑलरेडी थी। डेविड रोनित पर गुस्सा था, शायद उसने तुम्हें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया होता। रोनित कहती है मेरे फादर की डेथ हुई थी, क्या तुम मुझे बताने वाले नहीं थे। डेविड कहता है मेरी वाइफ को मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर स्टी डेविड से कहती है मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। डेविड उसे सॉरी कहता है। स्टी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास बचपन से कोई भी चॉइस नहीं थी, जो भी रिलीजन में था वो मुझे मानना पड़ा, इन सब के बीच में मैं मेरे चाइल्ड को नहीं लाना चाहती, उसे इस रीज़न को चूज़ करने का ऑप्शन होना चाहिए। डेविड को ये मानना नहीं था इसलिए वो वहाँ से चला गया। आज रात फिर से एक इवेंट था जिसमें रोनित और स्टी भी आते हैं। स्पीच में डेविड कहता है जब रोनित के फादर की डेथ हुई तब उनके फाइनल बर्ड्स फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था हम चूज़ करने के लिए फ्री हैं, हम सब लोग फ्री हैं, इसलिए मैं चूज़ करता हूँ, मैं रोनित के फादर की तरह नहीं बनने वाला। उसने इस ऑनर को ठुकरा दिया, यहाँ पर उसने एक्सेप्ट कर लिया था स्टी भी चूज़ कर सकती है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आए तब स्टी ने डेविड को हग किया, रोनित भी ये देख रही थी। ये लोग उसे भी इन्वाइट करते हैं, ये तीनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगली सुबह रोनित यहाँ से जा रही थी और हम देख सकते हैं स्टी और डेविड अलग अलग सो रहे हैं। रोनित कार में बैठ जाती है, स्टी उसके पीछे भागते हुए आती है, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रोनित स्टी से कहती है तुम एक बहुत ही अच्छी मदर बनोगी। स्टी ने डिसाइड किया वो रोनित के साथ नहीं आएगी, स्टी की भी एक लाइफ है, उसे छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और अब वो अपने बच्चे को चॉइस देना चाहती है, वो नहीं चाहती उसका बेबी किसी भी रिलीजन में फंस कर रहे। इसी तरह से फ्रीडम के बारे में बात करते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।